मैं आपको दूसरी बार मिली, मुझे पता है। तो आज हम इस मंदिर आ रखे हैं, ये है इस मंदिर का मैं नाम भूल गई, पता नहीं। भवानी देवी। हाँ, भवानी देवी, कैमरामैन ने बता दिया। अब यहाँ से पूरा पौड़ी है, हमारे घर तो अभी कोर के अंदर जा रखा है, वहां पे बहुत ठंडा हो रखा होगा अभी। ये पूरा पौड़ी है, एक नया पौड़ी है और एक पुराना पौड़ी। वहां पे एक बाय, हैव अ नाइस डे। ठंडी हवा चल रही है यहाँ बहुत ज्यादा, और यहाँ शायद गर्म भी बहुत ज्यादा लगती होगी क्योंकि एकदम चोटी पे है ना ये, तो गर्म भी लगती होगी और ठंडी हवा भी चल रही है, और बारिश के मौसम में यहाँ रुकना भी मुश्किल है। बारिश भी बहुत तेज होती होगी यहाँ पर क्योंकि दोनों तरफ से खाइयां और ये एकदम चोटी है, तो बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर जगह भी है ये, बहुत सुंदर जगह है। हमें वहां पौड़ी से इस मंदिर के दर्शन होते हैं, तो हमारी बार बार इच्छा थी कि इस मंदिर में आने की, क्योंकि वहां से बहुत ही सुंदर लगता है ये मंदिर, ये पौड़ी से ना जब इधर देखते हैं हम तो ये एक चोटी पे नजर आता है ये मंदिर, तो आज हमने सोचा था कि इस मंदिर के दर्शन करने जरूर आएंगे, तो माँ की कृपा हुई और हम यहाँ दर्शन करने आए। लेकिन यहाँ आकर हमारा बहुत खुशी हुई क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है ये, और इतना दार्शनिक क्षेत्र है ये कि यहाँ से चारों तरफ आप नजर घुमाएं तो चारों तरफ आपको गांव नजर आएंगे, और ये देखिए रोड, श्रीनगर रोड जा रखी है, कितनी सुंदर रोड है, और आपको सामने नीचे शायद दिख रही होगी वो गंगा नदी भी दिख रही है, ये दिख रही है, तो यहाँ से सब कुछ नजर आ जा रहा है। आज बादल है इस वजह से थोड़ा सा मौसम साथ नहीं दे रहा कि जो आपको दूर तक पहाड़ियां दिखे, लेकिन जब मौसम साफ रहता होगा तो यहाँ बहुत ही सुंदर दृश्य दिखते होंगे यहाँ के। और ये देखिए मंदिर परिसर कितना सुंदर है, मंदिर जय माँ भवानी, और एकदम चोटी पे है ये पेड़ भी पीपल का या किस चीज का पेड़ है, यहाँ वैसे इतनी ऊंचाई पे नहीं होता ये पेड़, लेकिन यहाँ है, भव्य दृश्य है। बायनोक्युलर से देख रही हूँ। हाँ देखो ये हमारी डोडो बायनोकुलर से देख रही है यहाँ से, अब बादल के पीछे हमारा घर छिप गया, नहीं तो यहाँ से मैं आपको अपना घर दिखाता। तो बादल से दिखाता मैं आपको, वो सामने जहाँ कोहरा से ढक गया वो वहां है हमारा मकान, और ये सारा पौड़ी देखिए कितना सुंदर दिख रहा, बहुत बड़ा फैल गया, बहुत फैल गया पौड़ी जी, बहुत सुंदर। नीचे देखिए कितनी खाई है और किस ऊंचाई पे हम आ रखे हैं, बहुत गहरी खाई है नीचे, तो इस ऊंचाई पे आ रखे हैं हम, काफी ऊंचाई पे है ये। यहाँ के दृश्यों को देखकर जाने का दिल नहीं कर रहा है यहाँ से, इतने सुंदर दृश्य नजर आ रहे हैं, और सामने ये गांव के सुंदर सुंदर खेत, हरे हरे भरे हो रखे हैं आजकल बरसात के मौसम में, पूरे हरे हो रखे हैं खेत भी, और छोटे छोटे गांव की देखिए हवा भी चल रही है, सामने पौड़ी की तरफ के गांव दिख रहे हैं।
मंदिर के दूसरी तरफ का दृश्य है ये। यहाँ नीचे एक गांव दिख रहा है और देखिए गांव दिख रहा है नीचे। काफी दूर है ये, नीचे खेत भी हैं, लोगों ने खेती कर रखी है ये। वो सामने भी गांव है, वहां भी खेती हो रखी है। देखिए मंदिर का रास्ता। एकदम चोटी पे घर भी अच्छा बना रखा स्थापित है ये घर। देखा ध्यान दे, देखा घर, देखा अम्मा लो। हेलो कुछ बोल दे तो। भवानी मंदिर, जय माँ भवानी। ये पहाड़ सबसे ऊंचा, जो पहाड़ है ना सबसे पीछे सबसे ऊंचा वही। एक मिनट होने दो। ये यहाँ पे हमारा घर है, जो थोड़ा सा बादल दिख रहे हैं। वो देखो टॉप पे जहाँ से बादल खत्म होगा, वो देखो टावर दिख रहा है। हाँ ये है। अरे कितना सुंदर दृश्य है ये, देखिए मंदिर से चारों तरफ खाई और ये है मंदिर, माता का मंदिर। और यहाँ जाना हमने अब वापस इस रास्ते से जाएंगे। जय माता दी। अब हम यहाँ मंदिर से घर के लिए निकल रहे हैं और माता कल्याण करना। जय माता भवानी, आपके दर्शन हो गए और दोबारा बुलाना माता हमें दर्शन करने। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
जय माता। बहुत अच्छे दिखाई दे रहे, इधर का तो देखा ही नहीं तुमने, अपना घर का ही देखते रहे। इधर ये अच्छे दिख रहे हैं बहुत ज्यादा। देखो वो जो मैं घर बता रही थी ना, वहाँ देखो लाइट जले हुए, कुछ पता नहीं बोर्ड पे स्टेडियम क्या चीज है, नहीं जले बस लाइट जली हुई है ना, बहुत अच्छा दिख रहा है लाइट जली हुई है। यहाँ दूर से तो लग रहा है ना कि छोटे छोटे एकदम स्कूल भी दिखाई दे रहा है।